फिल्म बोर्ड की तरफ से 20 से ज्यादा सीन्स पर कैंची लगने के बाद आखिरकार अक्षय कुमार की मच अवेटेड इनफैक्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म भी OMG 2 का ट्रेलर आज फाइनली रिलीज कर दिया गया है। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, बहुत सारी चीजों पर लोगों की आपत्ति थी, क्योंकि भाई धार्मिक भावना है, भारत एक ऐसा देश है जहां पर धर्म को लेकर अपने रिलीजियस बिलीफ को लेकर लोग बहुत पक्के होते हैं, और अगर आप उनके भगवान के साथ या उनकी आस्था के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो भैया वो आहत तो जरूर होंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मेकर्स को थोड़ा सोचना समझना चाहिए। तो बहरहाल आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, ट्रेलर ठीक ठाक है, अच्छा लगता है। भगवान शिव के परम भक्त है पंकज त्रिपाठी, तो पूरा ट्रेलर देखकर समझ में आता है उनके बेटे के साथ कुछ हादसा हो जाता है स्कूल पर, इसका कुछ बहुत ज्यादा दिखाया तो नहीं गया है। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं, बेटा भी उनका दुखी होता है, उस पर कई सारे एलिगेशन लगते हैं, जिसके बाद जो है पंकज त्रिपाठी अपना केस खुद लड़ते हैं, अपने खुद लॉयर बनते हैं, केस की सुनवाई जो कोर्ट का पूरा सीन है जबरदस्त लगता है, जो भगवान शिव की पूजा अर्चना वो करते हैं वो बड़ा कमाल का लगता है। सबसे पहले आपको बता दें कि भगवान शिव के अवतार में पहले ऐसी खबर थी कि भगवान शिव के अवतार में जो अगर हम टीजर की बात करें, टीजर का रिलीज होने के बाद से ही जो है कंट्रोवर्सी काफी बढ़ गई थी। भगवान शिव के अवतार में अक्षय कुमार दिखे तो बहुत लोगों से आपत्ति हुई, सोशल मीडिया पे जो है दो गुट बन गए, जहां कुछ लोगों ने इसका फेवर किया तो कुछ लोगों ने इसका एकदम जो है बॉयकॉट किया। ऐसे में अब जो फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया उसमें उन्हें भगवान शिव का गण बताया गया, यानी कि चेंजेस तो हुए हैं, और ये ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि भगवान शिव के किरदार की बजाय उन्हें भगवान का जो है गण बता दिया जाए, यानी कि ऐसा स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो भगवान शिव के गण है। इसके साथ ही उसके बाद जो है शिव भगवान के जो गण है, अक्षय कुमार की एंट्री होती है, वो कैसे इस केस को सॉल्व करते हैं, क्या सोशल मैसेज आपको मिलेगा, इसके साथ ही एजुकेशन सिस्टम पर भी कुछ सवाल है, डेफिनेटली एक मैसेज हमें जरूर मिलने वाला है। साथ ही जो OMG में जिस तरह का मैसेज दिया गया था, इस फिल्म में भी आपको वो मैसेज जरूर मिलेगा। एक्टिंग डेफिनेटली अच्छी है, पंकज त्रिपाठी है, इसके साथ ही अरुण गोविल आपको दिखेंगे फिल्म में, साथ ही जो है यामी गौतम है, और अक्षय कुमार तो डेफिनेटली जो है सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं अपने इस किरदार को लेकर, बट कहीं ना कहीं जो है आस्था और इन चीजों को लेकर जो है मेकर्स को थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अब तो खुद जो है सेंसर बोर्ड ने कैंची लगा दी है, और उन्होंने अगर मैं रिपोर्ट्स की मानूं तो ये भी फैसला जो बहुत जल्द आने वाला है कि अब कोई भी भगवान का जो किरदार है वो आप ऑन स्क्रीन फिल्म में नहीं प्ले कर सकते हो, यानी कि अगर मैं बताऊं आपको रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपडेट जो है कि आप किसी भी भगवान का जो है रोल जो है ऑन स्क्रीन नहीं प्ले कर सकते, और यही वजह है जो अक्षय कुमार का जो सीन है जहां वो भगवान शिव का किरदार प्ले कर रहे थे अब जो है वो उनके गण के अवतार में। फिल्म जो है कॉमेडी का मिक्सचर भी है, आपको एक सोशल मैसेज भी देगा, और साथ ही किरदार तो कमाल के ही है, पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार का कॉम्बो ही जबरदस्त है, और अब देखते हैं कि किस तरह से जो है फिल्म को जो है पहचान मिलती है। वही आपको बता दें कि कंट्रोवर्सी तो थी फिल्म को लेकर, मगर कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अगर ऐसा बदलाव किया गया है तो क्या इससे ऑडियंस खुश होती है या नहीं। अब दूसरा मसला ये भी दोस्तों कि 11 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो रही है, मगर उसी वक्त जो है हमारे सनी देओल की, हमारे सनी पाजी की गदर 2 रिलीज होने वाली है, तो अब जो है दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो रही है। अगर बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि गदर 2 थोड़ा ऊपर रह सकती है OMG 2 से। अब देखते हैं अक्षय कुमार का जलवा बरकरार रहता है या सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ। फिलहाल आपके लिए मुझे बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्म भी। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें।